आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लॉक के ऊपर। देखिए सर, क्लॉक मतलब घड़ी, और सबने घड़ी को देखा भी है, उसे चलते हुए भी देखा, उसके बारे उसका हम लोग बहुत यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और जो आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं उनको करना कैसे चाहिए, उसके लिए जरूरत की चीजें क्या है हमारी। देखिए सर, क्लॉक मतलब घड़ी, सब जानते हैं कि घड़ी में टोटल 3 सुई होती है। एक ध्यान देखिएगा सर, आपके सामने घड़ी बनी हुई है सर, ध्यान देखिए। एक आपका आवर हैंड मतलब घंटे वाली सुई होती है, दूसरी मिनट वाली होती है, और तीसरी सेकंड वाली होती है। और आपको यहां पर तीनों सुई दिख रही है, तीनों हैंड्स दिख रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो यहां पर सेकंड हैंड जो है उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ मिनट हैंड और आवर हैंड का यूज है। बात समझ में आई सर, मैंने क्या समझाया? घड़ी में दो सुई का हम यूज करेंगे, सिर्फ एक मिनट हैंड का और दूसरा ओवर हैंड का। अब अगर मैं आपसे ओवर हैंड के बारे में बात करूं तो ओवर हैंड का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ध्यान देखिए, आपको दिख रही है यहां पे ओवर हैंड छोटे साइज की, और ये जब चलती है तो थोड़ा धीरे धीरे चलती है। लेकिन जब मिनट हैंड की बात करेंगे हम लोग तो वो ओवर से बड़ी होती है साइज में, और वो थोड़ा तेज चलती है ओवर के रिस्पेक्ट में। अब देखिए सर, हम दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओवर हैंड और मिनट हैंड का यूज क्या है क्लॉक के अंदर, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उनका आंसर कैसे निकालेंगे। तो पहले देखिए सर, मेरी बात सुनिएगा सर, अगर मैं इस घड़ी की बात करूं तो इस घड़ी में टोटल 12 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। फॉर एग्जाम्पल तो देखिए सर, ध्यान से लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए सर, सबको पता है अगर मैं 1 बजे की बात करूंगा, अगर मैं कितने बजे की बात करूंगा सर, 1 बजे की, तो आप ध्यान से देखिएगा सर, 1 जब बजेंगे तो छोटा वाला कांटा आपका यहां होगा और बड़ा वाला कांटा कुछ यहां होगा। मतलब 1 पे हमारा छोटा वाला कांटा होगा और 12 पे हमारा बड़ा वाला मतलब मिनट वाला सुई होगा। अब देखिए सर, हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर डिफिनीशन भी देखेंगे। सर ये रहे आपके सामने प्रॉपर डिफिनीशन सर, ये देखिए सर, ध्यान देखिए, पढ़िए एक बार। अ क्लॉक हैज टू हैंड्स, द स्मॉलर वन इज कॉल्ड ओवर हैंड व्हाइल द लार्जर वन इज कॉल्ड मिनट हैंड। मैंने बता दिया सर, आपके क्लॉक्स में अगर मैं क्लॉक की बात कर रहा हूं तो सिर्फ दो ही हैंड्स के बारे में बात करेंगे, एक मिनट हैंड और दूसरा ओवर हैंड। ओवर हैंड का जो साइज होता है वो छोटा होता है और मिनट हैंड का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। अगर मैं क्लॉक की बात कर रहा हूं तो अगर मैंने आपके सामने फॉर एग्जाम्पल एक वॉच बनाई, ध्यान देखिए सर, मैं आप समय एक वॉच बना रहा हूं, ये रही आपकी एक वॉच, ध्यान देखिएगा सर, आगे बढ़ते हैं सर। देखिए सर, मैं आपके सामने एक वॉच बना रहा हूं सर, ध्यान देखिए सर, ये रही आपकी एक वॉच, ध्यान देखिए सर, ये रही आपके सामने एक वॉच। और अगर मैं इस वॉच को देखूं तो यहां पर अगर मैं टोटल पार्टीशन कर दू, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पार्टीशन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन कर रहा हूं सर मैं, आपको बनाकर देख लीजिएगा सर, ऐसे ही पार्टीशन करेंगे आप, यहां पे 1 लिखेंगे, यहां पे 2 लिखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो जो छोटा वाला कांटा है आपका मतलब ओवर हैंड है, वो जब यहां से यहां जाएगा मतलब 12 से 1 जाएगा, तो जब वो चलेगा तो बताओ सर कितना चलेगा, ध्यान देखो सर कितना चलेगा सर, वो यहां पर टोटल 5 मिनट चलेगा। कितना चलेगा सर? टोटल 5 मिनट। लेकिन अगर यहीं पर जब छोटा वाला कांटा मतलब ओवर हैंड 5 मिनट चल रहा है, तो जो आपका बड़ा वाला हैंड है, मिनट हैंड है, वो आपका वापस पूरा घूम के यहीं आ जाता है, मतलब मिनट हैंड टोटल 60 मिनट चलता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सर, अगर मैं 1 घंटे की बात करता हूं, देखिए सर अगर मैं कितने घंटे की बात करता हूं सर, ध्यान देखिए सर, अगर मैं आपसे 1 घंटे की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर की बात करूं, तो 1 आवर में मिनट हैंड
जो आपका चलता है, मतलब वो जो चलने की बात है वो कितना चलता है सर? टोटल 7 मिनट चलता है। कितना चलता है टोटल सर? 7 मिनट। लेकिन उसी जगह पे हमारा जो आवर हैंड है, मतलब छोटा वाला जो कांटा है, वो कितना चलता है सर? 5 मिनट। वो कितना चलता है सर? 5 मिनट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। आवर हैंड, आवर के रिस्पेक्ट में 1 घंटा चलता है, लेकिन जब घड़ी की हम लोग बना रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, तो वो 12 से 1 ही में तो गया। और अगर वो जो 12 से 1 गया, उसको अगर आप मिनट में देखेंगे तो वो 5 मिनट चला है। कितना चला है सर? वो 5 मिनट। इसका मतलब समझिए सर, सिंपल सी बात समझिए, 1 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटे में हमारा जो मिनट हैंड है जिसका साइज बड़ा होता है वो टोटल 60 मिनट चलता है, और जो हमारा छोटा कांटा होता है मतलब ओवर हैंड होता है, घंटे वाली जो सुई होती है वो 5 मिनट चलती है। अब इसका मतलब क्या होगा सर, क्या समझ में आ रहा है? एक बंदा 5 कदम चलता है और दूसरा बंदा 60 कदम चलता है, इसका मतलब 60 कदम वाला जो चल रहा है वो तेज चल रहा है कि धीरे चल रहा है? तेज चल रहा है सर। क्या चल रहा है सर? तेज चल रहा है सर। और वो कितना तेज चल रहा है सर? 55 मिनट। कितना तेज चल रहा है सर? 55 मिनट। इसका मतलब पूरे 1 घंटे की अगर हम बात करें तो पूरे 1 घंटे में आपका मिनट हैंड 60 मिनट चलता है और आपका ओवर हैंड 5 मिनट चलता है। इसका मतलब मिनट हैंड ओवर हैंड के रिस्पेक्ट में 55 मिनट ज्यादा चलता है हर 1 घंटे में। सर जितनी बार 1 घंटा होगा उतनी बार मिनट हैंड ओवर हैंड से 55 मिनट ज्यादा निकल जाएगा घड़ी में। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर मैं घड़ी की बात करूं, अगर मैं आपसे एक वॉच बना, तो जो ध्यान देखिए सर, अगर मैं आपसे वॉच बनाऊं, ये वॉच बनाए फर्स्ट, और इस वॉच के मैंने टोटल 12 पार्टीशन कर दिया आपके सामने, तो जो आवर हैंड है वो यहां से अगर चलना स्टार्ट करता है पूरा घूम के वापस यहीं आ जाए, वापस 12 पे आ जाए। मिनट हैंड कहां वापस आ गया सर? पूरा वापस 12 पे आ गया। इसका मतलब मिनट सॉरी ओवर हैंड, सॉरी ओवर हैंड की बात कर रहा हूं मैं, ओवर हैंड कितना चला सर बताइए जरा? पूरे 12 घंटे। कितना चला सर? पूरे 12 घंटे। और बताओ सर, जब मैं यहां से खड़ा हूं पूरा घूम के वापस वहीं आ जाऊं, तो अगर मैं एंगल की बात करूं सर, तो वो कितना एंगल होगा सर? 360 डिग्री। कितना होगा सर? 360 डिग्री। इसका मतलब पूरे 12 घंटे में आपका ओवर हैंड 360 डिग्री मूव करता है। क्या बोला सर मैंने? ध्यान सुनिए सर, पूरे 12 घंटे में आपका जो ओवर हैंड मूव करता है वो पूरे 360 डिग्री मूव करता है। बताइए सर, क्या समझाया? पूरे 12 घंटे में कितना मूव करता है? 360 डिग्री। इसका मतलब पूरे 1 घंटे में कितना मूव करेगा सर? पूरे 1 घंटे की हम बात करें तो कितना मूव करेगा सर? ध्यान देखिए सर, 360 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा सर? 30 डिग्री होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए सर, पूरे 1 घंटे की बात कर रहा हूं, 30 डिग्री होगा सर। ध्यान देखिए सर, अगर छोटा वाला कांटा यहां से यहां आ जाए तो जो वो एंगल की हम बात करते हैं वो हमारा 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? समझ बताओ सर, समझ में सबको आ रहा है? समझ एक बार फिर से मैं बात करूंगा आपसे। देखिए सर, समझना बहुत जरूरी है सर, अगर ये समझ में आ गया तो क्लॉक में कभी गड़बड़ आप नहीं करेंगे, हमेशा क्वेश्चन सही करेंगे। बताइए सर, पूरे 12 घंटे में जो आवर हैंड घूमता है वो कितना घूमता है सर? पूरे 360 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब पूरे 1 घंटे में वो 30 डिग्री मूव करता है। बात समझ में आई? और अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो मिनट हैंड जब घूमता है पूरा तो कितना घूमता है सर? ध्यान देखिए सर, मिनट हैंड कितना घूमता है सर? यहां से वो स्टार्ट करता है और वापस पूरा घूम के यहीं आ जाता है। इसका मतलब मिनट हैंड जो घूमता है वो कितने मिनट घूमता है? 60 मिनट। कितना घूमता है सर? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना घूमता है वो? 360 डिग्री।
इसका मतलब एक मिनट में कितना घूमेगा सर? 6 डिग्री। इसका मतलब जब भी मिनट वाला सुई एक मिनट आगे बढ़ता है, मतलब वो यहां से एक मिनट आगे बढ़ा तो जो एंगल बनेगा वो 6 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है सर? ध्यान देखिए सर, जब भी ओवर मिनट हैंड एक मिनट मूव करेगा तो वो टोटल कितना एंगल में रोटेट करेगा? 6 डिग्री। बताइए सर, बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए सर, समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब ओवर हैंड और मिनट हैंड दोनों घूमते हैं। ओवर हैंड थोड़ा धीमे घूमता है और मिनट हैंड थोड़ा तेज घूमता है। ओवर हैंड पूरे एक घंटे में 30 डिग्री मूव करता है और मिनट हैंड पूरे एक मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। इसका मतलब जब दोनों कांटों के बीच में एक मिनट का डिफरेंस होगा तो एंगल के रिस्पेक्ट में वो कितने मिनट होगा सर? 6 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सर, एक मिनट का मतलब 6 डिग्री, तो 2 मिनट का मतलब कितना होगा? 12 डिग्री। 3 मिनट का मतलब 18। 4 मिनट का मतलब 24। 5 मिनट का मतलब 30। वही तो बात हुई सर, पूरे एक घंटे में ओवर हैंड 5 मिनट घूमता था और 5 मिनट का मतलब हुआ 30 डिग्री। अब आप हमेशा याद रखना सर, जब भी दोनों कांटों के बीच में आप एक मिनट का डिफरेंस पा जाए तो समझ लीजिए उनके बीच में एंगल का डिफरेंस कितने मिनट का है, कितने डिग्री का है, सॉरी 6 डिग्री का है। तो जब 5 मिनट का डिफरेंस होगा तब 30 डिग्री का, और जब 15 मिनट का डिफरेंस होगा तब 90 डिग्री का। अभी हम इसका यूज करना भी आपको सिखाएंगे सर। ध्यान देखिए सर, आगे बढ़ रहे हैं सब लोग। ध्यान देखिए सर, यही आपके सामने इंफॉर्मेशन ली हुई। ध्यान देखिए सर, ध्यान से इंफॉर्मेशन को देखिए सर। आपके सामने इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? एंगल ट्रेवल्स बाय ओवर हैंड इन 12 आवर्स 360 डिग्री। यही इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, जो एंगल ट्रेवल्स करेगा ओवर हैंड पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री। इसका मतलब पूरे एक घंटे में 30 डिग्री। इसका मतलब आगे बढ़ते हैं हम लोग और मिनट हैंड का देखते हैं, पूरे 60 मिनट में 360 डिग्री। इसका मतलब पूरे एक मिनट में 6 डिग्री। पूरे एक मिनट में कितना डिग्री है सर? 6 डिग्री। बताया ना सर, भी आपको क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ेंगे सर, 5 मिनट का मतलब 30 डिग्री और 15 मिनट का मतलब 90 डिग्री। क्लियर होगी बात सर? तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था सर। ओवर हैंड जब भी घूमता है तो पूरे एक घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। जब वो पूरा 12 से 1 में जाता है, 1 से 2 हो जाएगा तब भी 30 डिग्री। समझ रही बात सर? और मिनट हैंड पूरे एक मिनट जब घूमता है, मतलब 12 से फॉर एग्जाम्पल 5 पे गया तो 5 मिनट घूमा, तो 5 मिनट घूमा जब वो, तो वो पूरा जो एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री होगा। समझ में आ गई बात सर? आगे बढ़ेंगे हम लोग सर। अब हम लोग नेक्स्ट राइट एंगल की बात करते हैं। अब ये बताओ सर, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। बताइए सर, राइट एंगल का मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, और मैंने आपको बता दिया है 15 मिनट का मतलब 90 डिग्री। तो जब भी दोनों कांटों के बीच में, छोटे और बड़े कांटे के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस क्रिएट होगा, जितनी बार क्रिएट होगा उतनी बार क्या बनेगा हमारा? 90 डिग्री एंगल। बताइए सर, जितनी बार 15 मिनट का डिफरेंस क्रिएट होगा दोनों लाइंस के बीच में, उतनी बार उनके बीच में राइट एंगल बनेगा। तो आप घड़ी को ध्यान से देखिएगा सर, और याद रखिएगा हर एक घंटे में 2 राइट एंगल बनते हैं। हर एक घंटे में सर कितने राइट एंगल बनते हैं सर? 2। याद रखना सर, 12 से 1 की बात करेंगे, मतलब 12 बजे से लेकर 1 बजे की बात करेंगे, तो हर घंटे में 2 राइट एंगल बनेंगे। वो टाइम क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, निकालना भी बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ टाइम लिख के बता दूंगा, बाकी निकाला कैसे जाता है वो
वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। बताइए सर मुझे क्या बताया मैंने, हर एक घंटे में कितने राइट एंगल बनते हैं? सर दो। तो इसका मतलब एक घंटे में दो बनते हैं, तो 12 घंटे में कितने बन चाहिए सर? एक घंटे में दो बनते हैं सर, 12 घंटे में कितने बन चाहिए? 24 बनना चाहिए ना सर? 24 नहीं बनता सर, 24 नहीं बनता सर। कितने बनते हैं सर? 22 बनता है। क्यों 22 बनता है सर? क्यों 22 बनता है सर? क्योंकि सर अगर मैं 2 से 4 की बात करूं तो 2 से 4 के बीच में राइट एंगल बनने चाहिए थे 4, क्योंकि 2 से 4 की मतलब 2 घंटे और हर घंटे में 2 बनते हैं, मतलब इस 2 घंटे में भी 4 बनने चाहिए थे। एक घंटे में कितने बनते हैं सर? 2 ही तो बनते हैं सर, तो 2 घंटे में कितने बनने चाहिए? 4 बनने चाहिए सर। लेकिन सर 4 नहीं बनते सर, कितने बनते हैं सर? सिर्फ 3। सिर्फ कितने बनते हैं सर? सिर्फ 3। क्यों सर? 3 बजे वो एक टाइम है सर, घड़ी को ध्यान से देखिएगा सर, घड़ी को देखिएगा अपने घर में, 3 बजे एक ऐसा टाइम है जहां पर 2 राइट एंगल एक साथ बन जाते हैं। मतलब बनने चाहिए थे 4 लेकिन हमें दिखे सिर्फ 3, क्योंकि सर हमें एक साथ 2 राइट एंगल 3 बजे दिख जाते हैं, और जो 3 बजे होता है वही 9 बजे भी होता है। इसीलिए एक राइट एंगल 3 बजे वाले ने ले लिया, मतलब हटा दिया वहां से, और एक 9 बजे वाले ने हटा दिया। इसीलिए सर 12 घंटे में बनने चाहिए थे 24, लेकिन कितने बने सर? सिर्फ 22। बात समझ आई सर? मैंने बताया सर हर एक घंटे में 2 राइट एंगल बनते हैं, तो पूरे 12 घंटे में 24 बनने चाहिए थे लेकिन नहीं बने सर, सिर्फ 22 बने, क्योंकि सर एक राइट एंगल 3 बजे वाले ने हटा दिया और एक राइट एंगल 9 बजे वाले ने हटा दिया। 3 बजे मुझे 2 राइट एंगल एक साथ दिख गए और 9 बजे भी मुझे एक साथ 2 राइट एंगल दिख रहे हैं, और मैं 2 काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ 1 काउंट करूंगा। बात समझ में आ गई सर? इसीलिए सर पूरे 12 घंटे में 22 राइट एंगल बनते हैं, तो सर पूरे दिन में कितने बनेंगे सर? 24। सिंपल सी बात है, 22 12 घंटे में, तो 44 कितने घंटे बनेंगे? 24 घंटे, मतलब पूरे एक दिन में। बात समझ में आ गई सर? और ये देखिए उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड को ध्यान देखिएगा सर, सिर्फ बोर्ड को देखिएगा सर, ये रहा आपका प्रॉपर डेफिनेशन सर, यही लिखा हुआ है सर। When the two hands are at right angle, they are 15 minute space apart. जब भी right angle बनेगा सर, दोनों कांटों के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस होगा। अगर सर 15 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तभी right angle बनेगा, अदरवाइज right angle नहीं बनेगा सर। सर 15 मिनट का डिफरेंस क्रिएट होगा तो राइट एंगल बनेगा, और हर घंटे में 2 राइट एंगल बनते हैं सर। वो निकाल के मैं आपको आगे बताने वाला हूं सर, आगे बढ़ूंगा सर। लेकिन सर निकाल के मैंने बता भी दिया सर, लेकिन सर ये निकाला कैसे जाता है ये मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं सर। अगर मैं एक से देखिए सर यहां पर लिखा हुआ है, देयर आर 2 राइट एंगल्स फॉर्म इन ईच आवर, हर घंटे में कितना एंगल बनता है सर? 2। आगे बढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 1 to 2, अगर मैं 1 से 2 की बात करूंगा तो 2 राइट एंगल बनते हैं। वो टाइम ध्यान से देखना सर, 1 आपका बनता है 21 सही 9/11, दूसरा बनता है सर 54 सही 6/11। अगर मैं 1 से 2 बजे के बीच की बात करूंगा तो 2 राइट एंगल बनते हैं सर, 1 बनता है 21 सही 9/11 और दूसरा बनता है 54 सही 6/11। क्लियर हो गया सर? अभी ये टाइम कैसे निकालेंगे सर, आपके दिमाग में क्वेश्चन है सर, और क्लास खत्म होते होते ये मेरी गारंटी है कि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आगे बढ़ेंगे सर, और अगर 2 से 4 की बात करेंगे तो 3 बजे एक ऐसा टाइम है जहां पर
दो राइट एंगल एक साथ दिख जाते हैं, इसीलिए सर वहां पर तीन राइट एंगल मुझे दिखते हैं चार की जगह, और जो दो से चार होता है वही आठ से दस भी होता है, क्योंकि आठ से दस मुझे दिखने चाहिए तो चार, लेकिन मुझे सिर्फ तीन दिखते हैं क्योंकि नौ बजे वाले ने एक हटा दिया, क्योंकि वहां पर मुझे नौ बजे एक साथ दो राइट एंगल दिख रहे हैं। समझ में आ गई बात सर? चले सर अब हम आगे बढ़ेंगे सर, अब हम स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे सर, और मेरा क्वेश्चन आपसे है स्ट्रेट, अभी इसकी एक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया अभी ध्यान से पढ़ लीजिए, ड्यूरिंग 12 आवर्स देर आर 22 राइट एंगल्स फॉर्म एंड ड्यूरिंग 24 आवर्स होल डे मतलब होल डे और उसमें 44 राइट एंगल्स बनते हैं सर। आगे बढ़ेंगे सर हम लोग, अब स्ट्रेट लाइन के बारे में देखेंगे सर, और मैं आपसे पूछूंगा सर स्ट्रेट लाइन कितने तरह की होती है सर, कब दिखती है घड़ी में सर? सर घड़ी में दो तरह की स्ट्रेट लाइन दिखती है सर, एक दिखती है जब छोटे वाले कांटे के ऊपर बड़ा वाला कांटा आ जाता है, मतलब 12 बजे सर, ध्यान से घड़ी को देखना है सर, 12 बजे वो टाइम आपको दिखेगा जब छोटे वाले कांटे के ऊपर बड़ा वाला कांटा अपने आप आ जाएगा, और जब वो अपने आप एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए तो सर वो हमारी स्ट्रेट लाइन देती है, मतलब कॉन्साइड हो जाती है दोनों लाइन एक साथ, और स्ट्रेट लाइन सर दो तरह की होती है, एक तो कॉन्साइड जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक कांटे के ऊपर दूसरा कांटा अपने आप आ जाता है जब, और ये हुआ स्ट्रेट लाइन का पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है सर? जब दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं सर, वो आप देखते आ रहे हो सर, लेकिन आज तक कभी नोटिस नहीं किया सर, आज नोटिस कीजिए सर, वो टाइम है 6 बजे। वो टाइम कितने बजे है सर? 6 बजे। जब 6 बजते हैं घड़ी में, चाहे 6 AM बोलूं चाहे 6 PM बोलूं, वो एक ऐसा टाइम है जब दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट में चले जाते हैं। तो बताइए सर, क्लियर हुआ? स्ट्रेट लाइन कितने तरह के होते हैं सर? दो तरह के, एक अपोजिट और दूसरा कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब छोटा वाले कांटे के ऊपर बड़ा वाला कांटा आएगा सर, क्योंकि तेज तो बड़ा वाला चल रहा है, और तब ये कॉन्साइड होगा। तो सर मैं आपको बता दूं, हर घंटे में एक कॉन्साइड बनता है। हर घंटे में कितने कॉन्साइड बनते हैं सर? एक। लेकिन सर वही बात यहां भी आ गई, 11 से 1 का टाइम के बीच में एक साथ दो कॉन्साइड 12 बजे दिख जाते हैं, मतलब दो राइट एंगल हमारे 3 बजे वाले ने और 9 बजे वाले ने हटाया था, तो यहां सर 12 बजे वाला हटाएगा और 6 बजे वाला हटाएगा सर। 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक ही कॉन्साइड बनता है, बनते तो दो है लेकिन दिखते सिर्फ एक है, क्योंकि सर दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए सर 12 बजे एक कॉन्साइड मिलता है। इसका मतलब सर जब हर घंटे में दो बनने चाहे, एक बनने चाहिए तो कॉन्साइड, लेकिन बने कितने सर 12 घंटे में? सिर्फ 11। बात समझ में आई सर कि नहीं आई? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? पूरे 12 घंटे में 11 कॉन्साइड बनेंगे और 11 अपोजिट बनेंगे, क्योंकि सर 5 से 7 बजे के बीच में 6 बजे एक ऐसा टाइम है जहां पर अपोजिट दो बनते हैं लेकिन दिखता सिर्फ एक है। बात समझ में आ गई सर? क्लियर हो गई बात सर? अभी कोई डाउट तो नहीं होगा सर? अब आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए सर, यही लिखी हुई है आपके, ध्यान दीजिए सर, पढ़िए बात। The hands are in the straight line when they are coincide or opposite to each other. Straight line सर दो तरह के बता दिया मैंने, coincide एक कांटे के ऊपर दूसरा कांटा आ जाए, और opposite दोनों कांटों के बीच में 30 मिनट का डिफरेंस होगा, और जब coincide होगा तब 0 मिनट का डिफरेंस होगा, और यही लिखा हुआ है सर, ध्यान से पढ़िए सर। When the hands are in the opposite direction, they are 13 minutes apart. आगे बढ़ेंगे सर। When the hands are in the same directions,
मींस कॉन्साइड दे आर 0 मिनट स्पेस अपार्ट। आगे बढ़ेंगे सर, इन एवरी आवर बोथ दी हैंड कॉन्साइड वंस, मतलब सर हर घंटे में एक बार तो कॉन्साइड होंगे। लेकिन सर वही बात जो मैंने बताई थी, 11 से 1 के बीच में एक ही कॉन्साइड बनता है, 12 बजे बनने चाहिए थे 2, लेकिन सर बना 1, वो भी 12 बजे। और आगे बढ़ेंगे, सेम एज फॉर द अपोजिट बिटवीन 5 to 7 देयर इज ओनली 1 अपोजिट, जो कि मुझे कितने बजे देता है सर, 6 बजे। क्लियर हो गया सर? इसका मतलब सर इस लाइन को पढ़िए सर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर। ध्यान से पढ़िएगा सर, ड्यूरिंग 12 आवर्स देयर आर 11 कॉन्साइड एंड 11 अपोजिट, सो देयर आर 22 स्ट्रेट लाइन सर। पूरे 12 घंटे में 11 कॉन्साइड बनते हैं और 11 अपोजिट बनते हैं। इसका मतलब 12 घंटे में 22 क्या बनने चाहिए सर? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब कॉन्साइड प्लस अपोजिट। इसका मतलब 24 घंटे में कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे सर? 44। उस 44 में 22 कॉन्साइड होंगे और 22 अपोजिट होंगे। क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया सर? आप देखिए सर, क्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये क्लियर सर तो क्लॉक कुछ नहीं आपके लिए। ध्यान से देखिएगा सर, आगे बढ़ते हैं सर, समझते चलिए सर, सब कुछ बता दिया, बस आपको देखते ही चलना है सर। ध्यान से देखिए सर, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं तो मिनट हैंड ओवर हैंड के रिस्पेक्ट में कैसा चलता है सर? तेज चलता है सर। कितना तेज चलता है सर? 55 मिनट तेज चलता है। इसका मतलब एक कांटे को जब 55 मिनट ज्यादा चलना है तो कितना चल रहा है वो? 60 मिनट सर। सोचो सर, देखो ध्यान से सोचो सर, मिनट हैंड चलता कितने मिनट सर? 60 मिनट। अच्छा, वो 60 मिनट चलता है तो ज्यादा कितना चलता है? 55 मिनट। इसका मतलब 55 मिनट तेज चलने के लिए उसे चलना कितना पड़ेगा सर? पूरे 60 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सर, पूरे 55 मिनट ज्यादा चलने के लिए उसे टोटल 60 मिनट चलना पड़ेगा। आप देखिए सर, ध्यान से देखिए सर, ये लिखा हुआ है सर, ड्यूरिंग 1 आवर। अगर मैं एक घंटे की बात करूं, दोनों कांटे रन करते हैं सर, दौड़ते हैं सर। मिनट हैंड 60 मिनट दौड़ता है, 60 मिनट चलता है, जबकि ओवर हैंड सिर्फ 5 मिनट चलता है। इसका मतलब हुआ ओवर हैंड पे मिनट हैंड क्या कर चुका है, सॉरी मिनट हैंड ओवर हैंड पे क्या कर चुका है? 55 मिनट का गेन कर चुका है, मतलब इतना ज्यादा चल चुका है। पूरे एक घंटे में मिनट हैंड ओवर हैंड से पूरे 55 मिनट ज्यादा चल चुका है, लेकिन उसे ये 55 मिनट ज्यादा चलने के लिए चलना कितना पड़ा? 60 मिनट। 55 मिनट गेन करने के लिए उसे चलना कितना पड़ा? 60 मिनट। इसका मतलब जब मुझे 1 मिनट ज्यादा चलना होगा, एक्स्ट्रा चलना होगा, तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? इतना चलना पड़ेगा, 12/11। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सर, बताओ। अगर मुझे 1 कदम तेज चलना है तो मैं 1 कदम चलूंगा नहीं, मैं 12/11 चलूंगा, क्योंकि मैं चल इतना रहा हूं, तेज निकल गया, अच्छी बात है। बताओ सर, मिनट हैंड तेज निकल गया, आवर हैंड के रिस्पेक्ट में 55 मिनट तेज निकल गया, और 55 मिनट अगर उसे ज्यादा चलना है तो चलना कितना पड़ा? 60 मिनट। जब 55 मिनट के लिए 60 मिनट है तो 1 मिनट के लिए कितना होगा? 60/55, मतलब 12/11, मतलब 1 मिनट ज्यादा चलने के लिए 12/11 चलना पड़ेगा। तो जब आपको 5 मिनट ज्यादा चलना होगा तो 5 × 12/11 से कर दीजिए, जो कि आएगा 60/11। मतलब ये देखिए सर, सेकंड का रोल नहीं है, इसीलिए आंसर हमें फ्रैक्शन में देना है। सेकंड का कोई रोल नहीं है, इसीलिए हमें आंसर किसमें देना है सर? फ्रैक्शंस में। इसीलिए हमने क्या दिया सर? 60/11 का मतलब 5 सही 5/11। इसका मतलब सर, जब मैं 5 मिनट तेज चलूंगा तो मैं 5 मिनट चलूंगा नहीं, मैं एक्चुअली में चलूंगा 5 सही 5/11। क्लियर हो गया सर?
अब हम आगे बढ़ रहे हैं सर, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं सर। ये रहा आपके सामने, अभी सर 15 मिनट के बता दिया सर आपके सामने, अब ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब सर हम क्वेश्चन पे आ जाए सर, अब आप क्वेश्चंस करने की आदत डालिए सर। ध्यान से देखिए सर पहला क्वेश्चन, सर ध्यान से पढ़िए सर क्वेश्चन को। एन एक्यूरेट क्लॉक, अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो अगर आपके सामने एक क्लॉक है तो सर ध्यान से देखिए सर, क्लॉक 8 बजे आपको दिखा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि क्लॉक कितना चलेगा जब 2 बज जाएंगे। क्या पूछ रहा है सर? घड़ी में बजे कितना है सर? 8 बजे, और आपसे पूछ क्या है बताओ सर, वो कितना एंगल रोटेट करेगा ओवर हैंड जब क्या बज जाएंगे सर? 2 बज जाएंगे। समझ में आया सर कि नहीं आया? देखो ध्यान रखो सर, घड़ी में बजे कितने सर? 8, और आप बजाना कितना चाहते हो सर? 2, और आप पूछ कह रहे हो कितना एंगल रोटेट किया। अभी मैं आपके सामने घड़ी शो कर रहा हूं सर, ध्यान देखिए सर, ये ऑप्शंस रहे और ये रहे आपके सामने घड़ी। अब मुझे आप आंसर दीजिए सर, सोच के जवाब दीजिए सर, क्या आंसर आना चाहिए सर इसका? घड़ी में कितने बजे हैं सर? ध्यान से पढ़िए सर, कितने बजे हैं सर? 8, मतलब छोटा वाला कांटा कुछ यहां पर है, छोटा वाला कांटा कहां पर है सर? 8 पे। और चाहते क्या है आप, कहां पहुंच जाए सर? 2 पे। 8 पे था और आप चाहते हो 2 पे पहुंच जाए, कोई कांटा 8 पे है सर और आप चाहते कि आप कहां पहुंच जाए सर? 2 पे पहुंच जाए। कहां पे कांटा सर? ध्यान से पढ़िए सर, ध्यान देखिए सर, कांटा कहां पे है सर बताइए सर? ध्यान देखिए सर, कांटा 8 पे है और आप चाहते हो 2 पे पहुंच जाए। कांटा किस पे है सर? 8 पे, और आप चाहते हो कि 8 कहां पहुंच जाए? 2 पे पहुंच जाए। तो बताओ सर ये एंगल कितने डिग्री है? कितने डिग्री एंगल है? 180। समझ में आई बात कि नहीं आई? बताओ सर, बहुत सिंपल सी बात है सर, घड़ी में 2 बजे हैं और आपसे पूछ रहा है जब घड़ी 8 बज जाएगा तो ओवर हैंड जो है वो कितना एंगल रोटेट करेगा, छोटा वाला जो कांटा है कितना एंगल रोटेट करेगा? पूरा 180 डिग्री। इसीलिए आप क्या टिक करेंगे? ये आपका थर्ड ऑप्शन। बात समझ में आ गई सर? चलिए सर अब हम आगे बढ़ेंगे सर और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे सर, ध्यान दीजिए सर, 180 डिग्री सी ऑप्शन है इसका। आगे बढ़ेंगे सर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 10:25 इज, बताओ सर। मैं आपसे पूछ के रहा हूं सर, घड़ी में सर 10:25 है और मैं आपसे पूछ के रहा हूं, बताओ सर आपको टोटल कितना चलना, सिंपल सी बात समझिएगा, एंगल कितना होगा दोनों हैंड्स के बीच में? रिफ्लेक्स एंगल क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा सर? यहां से मेरी बात सुनिए सर, घड़ी में बजे कितने हैं सर? 10:25। अब 10:25 का मतलब छोटा वाला कांटा भी चल रहा है और बड़ा वाला कांटा भी चल रहा है। अगर मैं बड़े वाले कांटे की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, बड़े वाले कांटे की बात करूं, मतलब 25 मिनट की बात करूं, तो जब 25 मिनट वो चलेगा, जब वो 25 मिनट चलेगा तो सब निकाल सकते हैं सर। 25 मिनट का चलने का मतलब 1 मिनट के चलने का मतलब 6 डिग्री, बताओ सर, 1 मिनट के चलने का मतलब 6 डिग्री, तो 25 मिनट चलने का मतलब 25 × 6, और ये कितना आएगा सर? जल्दी सॉल्व कीजिए सर, कितना आएगा सर बताइए सर, कितना आएगा सर? 150। इसका मतलब मिनट जो कांटा है आपका, मिनट जो हैंड है वो चला है 25 मिनट, मतलब वो चला है 150 डिग्री। कितना चला है सर? पूरे 150 डिग्री। कितना चला है सर? पूरे 150 डिग्री। सर याद रखना सर, 10:25 हुए हैं सर, क्या हुए हैं सर? 10:25 हुए हैं सर, मतलब 25 मिनट कौन चला है सर? मिनट वाला सुई, और मिनट वाला सुई जब 1 मिनट चलता है तो कितना एंगल रोटेट करता है? 6 डिग्री। जब 25 मिनट चलेगा कितना चलेगा? 25 × 6, मतलब पूरे 150 डिग्री। और अगर मैं ओवर हैंड की बात करूं तो ओवर हैंड कितना चला है सर? 10 डिग्री, 10 घंटे पूरे चला है सर, प्लस 25 मिनट भी चला है। 25 मिनट को ओवर में चेंज करो, 25/7 करोगे, ये कितना आएगा सर? जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा और यहां पे 12 आएगा। कैलकुलेशन है सर, 12 × 10 = 120 + 5 = 125/12। अब ये घंटे की बात है, तो डिग्री की बात होगी तो किसका इंटू करना पड़ेगा आपको? 30 का इंटू करना पड़ेगा। किसका इंटू करना पड़ेगा? 30
30 का, अब दोनों को 6 से डिवाइड कर दो, यहां पे 2 आएगा और यहां पर 5 आएगा, और 125 इंटू 5 कितना आएगा सर, 625। और जब 625 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर, 312.5। समझ में आ रहा है सर कि नहीं आ रहा, बताओ समझ में आया। देखिए सर एक बार शुरू से करते हैं सर, एक बार ध्यान देखिए सर, 10:25 है, मतलब मिनट बड़ा कितना चला है सर, पूरे 25 मिनट, और एक मिनट चलने का मतलब 6 डिग्री, तो 25 मिनट के चलने का मतलब 25 × 6 मतलब 150 डिग्री। वैसे ही अगर ओवर एंड की बात करें तो 10 घंटे और 25 मिनट चलाया ओवर एंड, तो 10 घंटे का मतलब 10 और 25 मिनट का मतलब 25/7 मतलब 5/11, और इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना है, 312 डिग्री, 312.5 डिग्री। अब मैं आपके सामने घड़ी शो कर रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये रही आपकी घड़ी, ऑप्शन है ये रही आपके सामने घड़ी। अब बताइए सर, आप ध्यान से सोच के बताइए सर, आप देखिए सर दोनों कांटों को देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए सर, एक कांटा 5 रुपए है और दूसरा कांटा कुछ यहां पर है, तो बताइए सर अगर मैं यहां से बेस मान लूं और यहां से ये कितना चला है, पूरे 150 डिग्री, और ये कितना चला है सर, पूरे 312.5। तो याद रखना सर, जब 312.5 में 150 माइनस कर दोगे तो ये जो अंदर वाला एंगल आएगा ये आपका इंक्लाइंड मतलब दोनों हैंड्स के बीच का एंगल होगा, इंक्लाइंड एंगल। तो जो आपके बाहर वाला एंगल होगा वो कौन सा एंगल कहलाएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 312.5 में अगर 150 माइनस कर दूं मैं तो जो आएगा वो मेरा कौन सा एंगल होगा सर, माइनस कीजिए सर, ध्यान से जल्दी से माइनस कीजिए सर, जो आएगा वो कौन सा एंगल होगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल। कितना आएगा सर, ध्यान से जल्दी से माइनस कीजिए सर, सब कर सकते हैं सर, 2 और ये कितना आएगा 6, 162.5 इतना आएगा सर। ये कौन सा एंगल हुआ सर, ये कौन सा एंगल हुआ सर, इंक्लाइंड। तो मैं आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा हूं, मतलब 360 में से ये पूरा माइनस कर दो, पूरे 360 डिग्री में ये पूरा माइनस कर दो, तो जो आएगा माइनस करने में वो सब निकाल चुके होंगे सर, यही आपका आंसर आएगा 197.5 डिग्री। समझ में आया सर, अब आप निकाल सकते हो सर, अगर मैं इंक्लाइन एंगल की बात करूं तो वो भी निकाल सकते हो, अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल की बात करूं तो वो भी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया सर, अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सर, और जल्दी से आप जान से देंगे सर, घड़ी में सर 5:10 हुए हैं, बताओ सर ओवर हैंड कितना घुमा है, अब बताओ सर कितने बजे हैं सर, 5:00, बताओ सर कितने बजे हैं सर, 5:10 मतलब पूरे 5 घंटे प्लस 10 मिनट मतलब 10/7, भाई 10 मिनट का मतलब 10/7 तो कितना आएगा सर, 1/6, और सॉल्व करेंगे कितना आएगा सर, 31/6 आवर्स है। अगर इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो किसका इंटू करना पड़ेगा 30 का, और डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 5, और 31 × 5 कितना होता है पूरा 135 डिग्री। इसका मतलब ओवरहैंड कितना चला है सर, पूरे 155 डिग्री। समझ आया सर, बताओ सर घड़ी में कितना बजा है, 5:10, और जब 5:10 चला है इसका मतलब क्या हुआ सर, पूरे 5 घंटे और 10 मिनट, और 10 मिनट का मतलब 10/7, आप सब कर सकते हैं सर, 5 × 10/7 सॉल्व करें तो कितना है पूरा 155। अब आप इंक्लाइन भी निकाल सकते हैं और रिफ्लेक्स भी निकाल सकते हैं, इसलिए मैं सब में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा सर, पहले इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लूं सर, ये ऑप्शन है 155 है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये रही घड़ी और आप देख सकते हैं 155.5 आएगा सर। क्लियर हो गया बात सर, अब हम आगे बढ़ेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, अब आपसे इंक्लाइन एंगल पूछ रहा है और टाइम क्या है सर, 5:15 और मुझे सबसे आंसर चाहिए सर, मुझे सबसे आंसर चाहिए सर, कितने बजे हैं सर, 5 बज के
15 मिनट, और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, और मुझे जल्दी से आंसर दीजिए सर कि क्या आंसर आना चाहिए सर। 5:55 है सर, बताइए सर दोनों कांटों के बीच में इंक्लाइंड एंगल क्या है, बताइए सर दोनों कांटों के बीच में इंक्लाइंड एंगल क्या है सर, मुझे जल्दी से आंसर चाहिए सर, बताइए सर दोनों कांटों के बीच में इंक्लाइंड एंगल क्या है जब घड़ी में सर 5:15 है, ये एंगल कितना है सर, सब निकाल सकते हैं सर मेरे हिसाब से, यहां जितने लोग बैठे सर, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, सब निकाल सकते हैं। 15 मिनट चला है सर, 15 × 6 कीजिए, 15 × 6 करेंगे कितना है सर, जल्दी माइनस कीजिए सर, 15 × 6 करेंगे तो जो आपका आएगा वो 90 डिग्री होगा, और अगर आवर की बात करेंगे तो 15 मिनट और 5 घंटे मतलब 5 + 15/7, और जो आए उसका 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो ये आए उसमें से 90 माइनस कर दो तो आपका 67.5 आएगा, आएगा सर कि नहीं आ रहा, सबका आ रहा है वो सर, आ गया सर, चलिए सर तो सबको क्लियर हो चुका है सर, इसका मतलब इसका आंसर सबका क्लियर है, समझ में आ गया सर, अब हम आगे बढ़ेंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे सर। आप देखिए सर, अब मेरे को टाइम निकालना आपको सिखाना था, और आप सब टाइम निकाल सकते हैं सर, 5:30 से 6 की बात कर रहा है सर, और बताइए सर राइट एंगल, पहला राइट एंगल कि दूसरा, वो तो बाद में देखेंगे सर, राइट एंगल 5:30 से 6 के बीच में कितने बजे बनेगा, और आपके सामने ऑप्शंस भी रहेंगे, अब मुझे आंसर चाहिए जल्दी से सर, जल्दी जल्दी से मुझे आंसर क्या होगा, तो मैं आपको समझा दूं सर, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आप मुझे आंसर देंगे सर, बताओ सर घड़ी में बजा कैसा, 5:00 बताओ सर घड़ी में बजा कैसा, ध्यान बताओ सर घड़ी में बजा कैसा, 5:30 अब सर 5:30 घड़ी में शो करना डिफिकल्ट टास्क है, इसीलिए आप मान लो कि घड़ी में बजा क्या है सर, क्या मानेंगे सर हम, घड़ी में 5 बजे, घड़ी में क्या बजे हैं सर, 5, हम घड़ी में क्या मानेंगे सर, क्या बजे हैं सर, 5 बजे हैं, घड़ी में सर 5 बजे हुए हैं, बताओ सर घड़ी में क्या बजे हुए हैं सर, 5 बजे हुए हैं, छोटा कांटा 5 पे है, बड़ा कांटा 12 पे है, और आपसे पूछ रहा है राइट एंगल बताओ, वो भी 5:30 के बाद, अब ये बताओ राइट एंगल क्यों बनता है, जब दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस हो, 15 मिनट का डिफरेंस हो, दोनों के बीच में कितने मिनट का डिफरेंस हो, 15 मिनट का डिफरेंस हो, आप सब घर घड़ी चलेगी तो मिनट वाला भी चलेगा आवर वाला भी चलेगा, दोनों चलेंगे सर, अब एक काम करो सर मिनट वाले को चलाओ और आवर वाले को रोक दो, क्या बोला सर मैंने, मिनट वाले को चलाओ और आवर वाले को रोक दो, इसका मतलब मिनट वाले को आप अपने आप ले जाकर 2 में रख दो, अपने आप आपने ले जाकर रख दिया सर 2 पे, रख दिया सर, रखे ना सर, अभी बताओ दोनों कांटों के बीच में डिफरेंस कितने मिनट का है, 90 डिग्री का, मतलब पूरे 15 मिनट का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है आप देख पा रहे हैं, ये जो डिफरेंस है वो कितने मिनट का है, पूरे 15 मिनट का, देखो सर मैंने समझाया क्या, तुम्हारी बात सुनो सर, घड़ी में आपने क्या मान लिया सर, कितना बजा है सर, 5, अब 5 बजे सर, छोटा वाला कांटा 5 पे, अब बड़ा वाला कांटा 12 पे, अब छोटे वाले कांटे को रोक दो और बड़े वाले कांटे को चला दो, और दोनों के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस आ, और 15 मिनट का डिफरेंस लाने का मतलब 90 डिग्री का है, 15 मिनट के डिफरेंस का मतलब 90 डिग्री का एंगल, अब बताओ सर जब आपने मिनट वाले कांटे को 12 से 2 पे पहुंचाया तो आपने चलाया उसको, कितना चलाया सर पूरे 10 मिनट, कितना चलाया सर पूरे 10 मिनट, और मेरे यहां बैठे हुए सब जानते हैं 10 मिनट चलाया नहीं है, 10 मिनट ज्यादा चलाया है सर, हमने 10 मिनट चलाया नहीं है सर, हमने 10 मिनट ज्यादा चलाया है सर,
बताइए सर, हमने जो 10 मिनट चलाया सर, नहीं सर 10 मिनट ज्यादा चलाया, और 10 मिनट ज्यादा चलाने चलाना कितना पड़ता है सर, 10 × 12/11। इसका मतलब 10 × 12/11 से करोगे तो आएगा 120/11। और यहां बैठे हुए सब लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये सॉल्व करने पे आएगा सर, बताइए सर कितना आएगा सर, 10 सही 10/11 आएगा सर, आएगा कि नहीं आएगा सर, सबको क्लियर हो रहा है, 10 सही 10/11 आएगा। इसका मतलब जो पहला राइट एंगल बनता है सर वो 5 10 पे नहीं बनता सर, 5 सही 5/10 सही 10/11 बनता है सर। लेकिन सर वो टाइम तो 5:30 के पहले का है और मुझसे पूछा क्या है, 5:30 के बाद का टाइम पूछा है मुझसे, क्योंकि 5:30 से 6 के बीच का टाइम पूछा है मुझसे। इसका मतलब सर मुझे दूसरा राइट एंगल चाहिए सर, और मैंने बताया सर हर घंटे में 2 राइट एंगल बनते हैं, ये पहला वाला राइट एंगल है, ये कौन सा राइट एंगल सर, फर्स्ट वाला। आपसे पूछ के रहा है सेकंड वाला, मतलब आप एक काम करो सर, आप क्या काम करो सर, घड़ी को कुछ एक काम करो, घड़ी के बड़े वाले कांटे को अगले 15 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करो, छोटे वाले को 5 मिनट रोक दो, बड़े वाले को बढ़ाओ, तो यहां पहुंचो तो 5 मिनट का डिफरेंस, यहां पहुंचो 10 मिनट का, अगर यहां पहुंचा दो तो पूरे 15 मिनट का डिफरेंस, मतलब ये वापस से 90 डिग्री का बन गया। आप बताओ सर, आपने बड़े वाले कांटे को उठाकर यहां से यहां रखा, बताओ सर कांटा यहां पर था और आपने उस कांटे को उठाकर यहां से कहां रखा, यहां पर रखा, मतलब 12 से उठाकर 8 में रखा, तो 12 से उठाकर 8 में जब रखा तो बड़े वाले कांटे को मतलब मिनट वाले कांटे को कितना चलाया, नहीं कितना ज्यादा चलाया, क्योंकि तो मिनट वाले आवर वाले को आपने वही रोक दिया है, आवर वाले कांटे को आवर वाली सुई को रोक कर मिनट वाले को चला दो, तो चलाते नहीं हो ज्यादा चलाते हो, और ज्यादा कितना चला रहे हो सर, देख पा रहे हो आप लोग 40 मिनट चला रहे हो ज्यादा, और जब 40 मिनट ज्यादा चला रहे हो तो आपको चलाना कितना पड़ेगा सर, सबको पता है सर 40 में 12/11 का क्या किया सर आपने, 40 में 12/11 का इंटू कर दिया सर। मैंने समझाया छोटे वाले कांटे को रोको, बड़े वाले कांटे को चलाओ, चलाओगे नहीं ज्यादा चलाओगे, और जितना ज्यादा चला रहे हो उसमें 12/11 का इंटू कर दो, तो इसका मतलब आप छोटे वाले कांटे की जगह पे बड़े वाले कांटे को इतना चला रहे हो, बात समझ में आएगी नहीं। देखो सर छोटे वाले कांटे को रोको, बड़े वाले कांटे को चलाओ, और 15 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करो, जितनी बार 15 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करोगे उतनी बार राइट एंगल बनेगा, और सिंपल सी बात है जितना आप चलाएंगे उतना आप चलाएंगे नहीं उतना आप तेज चलाएंगे, और आपने यहां पर जब 12 को 8 में ले गए तो आप बड़े वाले कांटे को जब 12 से 8 में ले गए तो आपने 40 मिनट चलाया नहीं, क्योंकि तो छोटे वाले कांटे को आपने रोक दिया और बड़े वाले कांटे को इतना चला दिया तो आपने इतना तेज चला दिया, और इतना तेज चलाने के लिए आपको चलाना कितना पड़ेगा सर, 40 में 12/11 का इंटू कर दो, जो सबको क्लियर हो चुका होगा, सबका आ चुका होगा 43/7/11। इतना मैथ तो आपका अच्छा होगा, मुझे आपको पूरा बिलीव है कि आप यही निकालोगे 43/7/11, और ये सर आपका एक फ्रैक्शन है, सेकंड में आंसर नहीं देते इसलिए फ्रैक्शंस में आंसर देते हैं, समझ में आ गई बात सर, अब हम आगे बढ़ेंगे सर, और इस क्वेश्चन का आपके सामने ये रहा उसका आंसर भी, यही तरीका है सर 43/7/11, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद देंगे सर, क्योंकि आपको क्लियर हो चुका है मैंने क्या समझाया है, क्लियर हो चुका है सर, तो मुझे आंसर चाहिए सर, 4 से 5 के बीच की बात कर रहा हूं मैं, और बताइए सर दोनों कांटे अपोजिट कब रहेंगे, ऑप्शन है और ये रहा घड़ी, जल्दी से मुझे बताइए सर वो टाइम बताइए सर जब दोनों कांटे अपोजिट में होंगे, और आप 4 से 5 की बात करेंगे तो घड़ी में कितने बजे मानेंगे सर,
चार से पांच की बात करेंगे तो गाड़ी में क्या बजाएंगे सर आप? चार। क्या बजाएंगे सर? ये क्वेश्चन बता रहा हूं सर, अगला क्वेश्चन आप करेंगे सर। चार से पांच की बात कर रहा हूं मैं, चार से पांच का मतलब घड़ी में क्या मानेंगे सर? चार बजे हैं। घड़ी में क्या बजे हैं सर? चार बजे। अब बताओ सर, घड़ी में चार बजे हुए सर, कोई डाउट नहीं किसी को, चार से पांच की बात कर रहे थे, घड़ी में चार बजे हुए हैं और मुझे चाहिए वो टाइम जब दोनों कांटे अपोजिट में आ गए हैं सर, तो आप एक काम करो सर, छोटा सा काम करो, बड़े वाले कांटे को चला दो, छोटे वाले कांटे को वहीं रोक दो, तो आप चलाओगे नहीं, इतना ज्यादा चलाओगे। और आप अपोजिट लाने का मतलब छोटा वाला कांटा चार पे है तो बड़ा वाला कांटा बारह पे, दस पे आ जाए। छोटा वाला कांटा चार पे है, बड़ा वाला कांटा अगर दस पे आ जाए तो ये जो एंगल होगा ये पूरा 30 मिनट गैप रखेगा, मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब अपोजिट होता है। समझ आया कि नहीं आया? देखो सर, टाइम कितने से कितने बजे की बात हो रही थी? चार से पांच। क्वेश्चन को पढ़ो सर, तो क्या घड़ी में क्या बजाया आपने? चार। चार बजे। अब छोटे वाले कांटे को रोक दो, बड़े वाले कांटे को चला दो, तो आप इतना चला नहीं रहे हो, इतना ज्यादा चला रहे हो। और आपने ज्यादा कितना चलाया? पूरे 40 मिनट। कितने ज्यादा चलाया सर? पूरे 40 मिनट। और 40 मिनट सॉरी 50 मिनट, सॉरी 10 को जाना आपने, कितने चलाया सर? पूरे 50 मिनट। सबको क्लियर हो चुका होगा सर? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सर? बताओ सर, घड़ी में क्या बजे हैं सर? चार। और आप छोटे वाले कांटे को रोक दो, बड़े वाले कांटे को चला दो, तो इतना चला नहीं रहे हो, इतना ज्यादा चला रहे हो। अभी आपने बड़े वाले कांटे को 12 से उठाकर 10 में रख दिया, मतलब आपने पूरा इतना घुमाया। और इतना जब आपने घुमाया तो आपने कितना ज्यादा घुमाया? 50 ज्यादा घुमाया। तो चलाना कितना पड़ा आपको? 50 × 12/11। अब सब सॉल्व कर लेंगे सर, कितना आएगा सर? 600/11, मतलब 54 सही 6/11। 54 सही 6/11, फोर्थ ऑप्शन होगा। समझ में आ गया सर कि नहीं आ गया? सर आपको क्या बताया मैंने? छोटे वाले कांटे को वहीं रोक दो, बड़े वाले कांटे को चला दो और डिफरेंस क्रिएट करो। 15 मिनट का डिफरेंस मतलब राइट एंगल, 0 मिनट का डिफरेंस मतलब कौन साइड, 30 मिनट का डिफरेंस मतलब अपोजिट। और इतना डिफरेंस क्रिएट करते जाओ, इतना आप चला नहीं रहे हो, इतना आप ज्यादा चला रहे हो। और इस ज्यादा चलाने में 12/11 का इंटू कर दो, आपका हर टाइम आएगा सर, चाहे 4 से 5 की बात करूं, चाहे 5 से 6 की बात करूं। और मुझे ये उम्मीद है कि आप सब निकालेंगे सर, क्लास स्टार्टिंग में मैंने कहा था वो टाइम भी निकालेंगे सर, और आप सब निकाल सकते हैं सर। क्लियर हो गया सर? कोई डाउट सर? समझ में आ गई बात सर? हमारे पास टाइम कम है सर, इसलिए हम सिर्फ एक क्वेश्चन और देखेंगे सर। ध्यान देखिए सर, यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है सर, ध्यान देखिएगा सर, यह रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन सर। एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 to 10 व्हेन विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच बी टुगेदर? बताइए सर, वो टाइम बताइए जब दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं सर। आप बताइए सर, 9 से 10 बजे की बात हो रही है तो घड़ी में आप कितना बजाएंगे सर? 9 बजाएंगे सर। कितना बजाएंगे सर? 9 बजाएंगे। और आपको टाइम चाहिए, वो टाइम चाहिए जब दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो इसका मतलब छोटे वाले कांटे को रोको, बड़े वाले कांटे को चलाओ और उठाकर वापस यहीं ला दो। तो इसका मतलब आपने 45 मिनट चलाया नहीं है, 45 मिनट ज्यादा चलाया है। और 45 मिनट ज्यादा चलाने के लिए आपको किसका इंटू करना पड़ेगा? 45 × 12/11। छोटे वाले कांटे को रोको, बड़े वाले कांटे को चलाओ, चलाओगे नहीं, इतना ज्यादा चलाओगे। अब इंटू कर दो सर, 45 × 12/11। और सब निकाल चुके होंगे सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका आंसर, 49 1/11। कोई डाउट किसी को? तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप घर जाकर आज वो सारे टाइम निकालेंगे जब राइट एंगल बनता है, जब अपोजिट बनता है, जब कॉन्साइड बनता है, एंगल भी निकाल लेंगे,
5:12 पे क्या कितना एंगल है दोनों कांटों के बीच में निकालना जानते हैं सर आप लोग, इंक्लाइन भी जानते हैं और रिफ्लेक्स एंगल भी निकालना जानते हैं सर। क्लियर हो चुकी है बात सर, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि घर ही जो सारे क्वेश्चन आप करेंगे सर, जो डाउट हो उसको PSS में क्लियर कीजिए। महेंद्र आज भी ज्वाइन।